नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं काले जादू की पहचान कैसे करें। हमारी यह आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए है, उन व्यक्तियों के लिए है जो परेशान है काले जादू से और इस काले जादू की पहचान करना चाहते हैं, काले जादू के लक्षण पहचानना चाहते हैं। तो दोस्तों, परेशान व्यक्ति वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उनके लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट यह वीडियो रहने वाली है। आज इस वीडियो में आप जान सकते हैं काले जादू के लक्षण काट इन हिंदी में, कैसे काले जादू को पहचाना जा सकता है, काले जादू को कैसे दूर किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि काले जादू के लक्षण क्या होते हैं और कैसे इसे दूर किया जाता है, लेकिन उसके लिए वीडियो अंत तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अंत तक जरूर देखें, अगर आप परेशान हैं काले जादू से तभी इसमें आपका समाधान मिलेगा। बताना चाहेंगे कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो आइए चलते हैं आज के इस टॉपिक को आगे लेकर और जानते हैं काले जादू की पहचान कैसे की जा सकती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि काला जादू होता क्या है। काला जादू एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी तांत्रिक शक्ति होती है जिस पर भी वह पड़ती है तो उसके घर में लड़ाई झगड़े होना, तरह तरह की घटनाएँ होना, बीमारी का घर रहना या फिर अजीब सी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में भी सदैव लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर किसी तरह के अजीब सी घटनाएं साबित होती हैं, तो अगर आपको भी लग रहा है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि यह काले जादू के लक्षण होते हैं जिसकी वजह से आपके घर को तहस नहस कर सकते हैं। ये होते कैसे हैं और कौन करता है, मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा। ये दोस्तों एक तांत्रिक शक्ति होती है जो किसी के द्वारा की जाती है, जैसे कि आपके कोई मित्र प्यारे हों जो आपके दुश्मन बन जाते हैं, उसके बाद वे आपकी प्रगति, आपके बिजनेस को देखकर खुश नहीं होते, जिसकी वजह से वो आपके ऊपर काला जादू करते हैं, आपके घर को तबाह करने का, आपके बिजनेस को रोकने के लिए तरह तरह के तांत्रिक क्रियाएं करते रहते हैं। तो यही होता है काला जादू। इसे पहचाना कैसे जाया जा सकता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके घर में भी कोई बीमारी से ग्रस्त है तो सबसे पहले आप उसका मेडिकल चेकअप करवाइए, जिससे पता चल जाएगा कि वो किसी बीमारी से ग्रस्त तो क्यों नहीं है। उसके बाद अगर आपको लगे कि वो बीमार नहीं है, उसके बाद भी वो परेशान रहता है अजीब सी घटनाओं से, तो फिर उसके कुंडली चेकअप करवा सकते हैं। कुंडली चेक करवाने के बाद आपको लगे कि उसकी कुंडली में कोई दोष नहीं है और किसी प्रकार का कोई ग्रह नहीं है, तब आप समझ जाइए कि इस पर काला जादू किया गया है। और इसे कैसे दूर किया जा सकता है मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, काले जादू होने पर तरह तरह की घटनाएं, अजीब अजीब से व्यवहार होने शुरू हो जाते हैं। इसे दूर भी किया जा सकता है, इसका तोड़ है, लेकिन उसके लिए आपको एक विधि, उपाय, टोटकों की जरूरत पड़ती है जो आपको वीडियो से हमारी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इसके तोड़ के लिए आपको वशीकरण मंत्र का जाप करना होगा। घर बैठ कर ये कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे इसके लक्षण होते हैं, कौन काला जादू करवाता है और कैसा होता है ये काला जादू। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ में मैं बताना चाहूँगा कि हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो काले जादू की काट, काले जादू से मुक्ति पाने के उपाय टोटके को लेकर है, जिसमें आप काले जादू से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, उसे भी देखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर पंडित जी से संपर्क करें, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया।